Good. ये लाइट बहुत ब्लाइंडिंग है यार, बिल्कुल आँख पे दिख ही नहीं रहा है। आपको देखना है ना? नो नो, कैमरा। अरे बहुत मुश्किल है, ये कलर बहुत बहुत ज्यादा है, देख ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं आँख बंद कर रहा हूँ तो लाइट ही चाहती हूँ। नहीं यार, मेरी जब PKP 1-2 SKTKS जब चल रही थी तब मेरी भी लिस्ट थी ऑफ डायरेक्टर्स के मुझे इनके साथ काम करना है, बट उनको मेरे साथ काम नहीं करना था। तो ये एक ही साइकिल चलती रहेगी, मैं उनके पीछे भागूंगी, जो नए डायरेक्टर्स वो मेरे पीछे भागेंगे, तो अगर मैं भी उनके साथ काम नहीं करूँगी तो वो भी भागते रहेंगे। तो भागते 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 काम कोई करेगा नहीं, कुछ एक्चुअली बनेगा नहीं, कुछ एक्चुअली आएगा नहीं। तो मैंने ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स अपना माइंड और अपना चेंज कर दिया कि जो जिनको मेरे साथ काम करना है मैं उनके साथ काम करूँगी, बिकॉज एटलीस्ट वो मेरे पे विश्वास करके और मेरे साथ कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। फिर वो नए हो चाहे मंझे हुए हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हम एक सेम विजन से फिल्म बना रहे हैं। मतलब मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक डायरेक्टर के साथ ये होता है कि क्या मेरी और उनकी वाइब करेक्ट है, जो फिल्म वो नरेट कर रहे हैं क्या मैं भी सेम फिल्म को उसी तरह से देख रही हूँ, और काम करने में मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो फिर वो नए हो या बहुत बड़े हो मुझसे नहीं होगा काम। बस उतना ही है। इसमें ऐसा प्रोड्यूसर क्यों, डायरेक्टर क्यों नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों नहीं, दोनों रिस्पांसिबिलिटी क्यों लिया आपने, क्योंकि एज अ डायरेक्टर यू हैव बीन सक्सेसफुल और ये जो पर्टिकुलर फिल्म है यू कुड हैव डन जस्टिस फॉर द फिल्म एज अ डायरेक्टर आल्सो। वैसे तो हम इंटरव्यू अपना खुद आपस में कर सकते थे, आप आए हो ना। तो क्या होता है कि हर चीज़ मैं करने लगा, क्योंकि क्या है उस वक्त मैं शायद दो फिल्में लिख रहा था एक साथ, और उनमें से एक जनित में जा रही है, एक फिल्म और है जो मैं अभी करूँगा, आगे अनाउंस करूँगा जो वो है। तो ऐसा था कि एक साथ दो फिल्में करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था, और फिर इस किस्म का सब्जेक्ट मैं अभी इनिशियली टच नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज ऑलरेडी कमिटेड मैं हूँ कहीं किसी और फिल्म के लिए, तो वो चीज़ें थी। दूसरा ये था कि फिर जैसे जब मुलाकात हुई जिन्होंने डायरेक्ट किए फिल्म, उनके साथ भी मेरी कमिटमेंट थी, हम एक फिल्म करने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई, और मैंने उन्हें भी प्रॉमिस किया था कि जब कभी मैं प्रोड्यूस करूँगा कोई फिल्म तो डेफिनेटली यू नो आई गेट यू। तो उसके बाद हम दोनों ने फिर ये फिल्म अब जो आपके सामने है, तो वो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ना, करने की इच्छा बहुत होती है लेकिन आप एक समय में दो काम नहीं कर सकते, दो नावों पर पैर नहीं रखना था मुझे। तो ये मैं इसलिए प्रोड्यूस भी मैंने इसलिए की कि लिखी हुई चीज़ मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से प्रोड्यूस भी की। तो लिखना और प्रोडक्शन में इसलिए हम उन्होंने साथ किया। आजकल के टाइम में एंटरटेनमेंट तो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, यू नो एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट ये दोनों फैक्टर को साथ में लेके चलना कितना जरूरी है। देखिए ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत अभी कह सकते हैं हाल फिलहाल, बिकॉज पैंडेमिक के बाद तो इतना सब लोग हर किसी को कॉमेडी की ज़रूरत है, और ज्ञान वाली बातें बहुत ज़्यादा आपने को आप कहेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं, बिकॉज वो ज्ञान छोड़ के तो फिल्म देखने आ रहे हैं, वहाँ भी ज्ञान मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरत इस वजह से है कि लोगों को हंसा दें, और हंसाते हंसाते बहुत अच्छी कोई बात कह दें जो शायद उनको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन रखा है कॉमेडी के साथ साथ, या कॉमेडी नहीं कि ह्यूमर के साथ साथ, और हम एक मैसेज दे रहे हैं तो जहाँ पर लोगों को समझ में आए कि हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। Sir, I don't think I even have to answer something like this. It's been. हटा दे माइक, हटा दे फिर. It's been. See, it's been out of this world. It's been. I think सबसे why I really thank my stars is because it's been so easy to work with them because they're so accepting. Probably somewhere I don't think everybody has the courage to get a new boy out of nowhere and put him in the shoes that they have put me in. So that way I've been very grateful, but at the same time they are so welcoming, they're so accepting, it's been very easy working with them. I've been at ease, they've made sure that I'm not nervous and you know, I don't let the situation get the better of me. So that way I've been really grateful. No, but subject like this, even a guy feels a little shame and talking about this kind of subject. So a girl, you have a project, how many
इस जवाब का ना रात से ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, तो कॉन्डम बेचने के लिए अपना जेंडर चेंज कर दूँ। बहुत ही ज्यादा बेसिक लाइन है, बट क्या लिखी है, क्या कर रही है, एक लड़की जॉब कर रही है। अब आप पहले कह रहे हो कि लड़की इतने बजे तो घर के बाहर नहीं जा सकती, बट अब वो लेट नाइट जॉब्स भी कर रही है ना। कॉल सेंटर में क्या होता है, लेट नाइट भी जॉब्स होती है, आप सुबह आते हो, उसमें क्या है। तो अब अगर वो करने लग जाएंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो हमें घर ही बैठ जाते हैं। मतलब आई डोंट सी द लॉजिक ऑफ दैट। फिर घर में भी हॉल में नहीं बैठ सकते, इसी कमरे में बैठ सकते। एक बहुत सिंपल सी, जब एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है तो रोक भी सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, रोकने के लिए सिर्फ ये हमारे पास ऑप्शन है, कॉन्डम, जो हमने बताया। और वो इम्पोर्टेंट औरत के लिए इसलिए है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अबॉर्शन रेट सबसे हाई है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत डेथ्स होती है। तो औरत का ये बेचना करना बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए और उसी को मद्देनजर रख के फिल्म बनाई गई। और अगर ये ऑनेस्टली ये टॉपिक अगर एक लड़की नहीं बोल रही होती तो आप जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हो इस बात पे चर्चा ही नहीं होती। और पॉइंट ये है कि चर्चा करने के लिए ही हमें इस बात को नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। करने का तो बहुत दूर का आता है। आई डोंट नो कितनी लड़कियाँ इस फिल्म के बाद एक्चुअली जाके कॉन्डम खरीद के अपने पास रखेंगी, जो रखेंगी हमने मतलब हमारे लिए सक्सेस हो गया, बट एटलीस्ट उसके बारे में बात तो शुरू करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और थ्रू अ वुमन हम लोग ये सर्व कर रहे हैं। अब इसमें ये होता था कि लोगों को ना सिनेरियो पता नहीं है, लोगों को लगता है कि लोग हमारे यहाँ, जैसे हमने फिल्म में भी एक हमने बात कही है कि हमारे यहाँ ना वेडिंग प्लानिंग पे बड़ा खर्च होता है, फैमिली प्लानिंग पे खर्च नहीं करते हम लोग। और वो फैमिली प्लानिंग पे खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए और कब होने चाहिए। तो वो चीज़, और जहाँ पर आज लीगल आप देखें 1.5 करोड़ अबॉर्शंस होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनमें 10 से 12 लाख लड़कियां इलीगल अबॉर्शन की वजह से उनकी डेथ होती है। तो इतना बड़ा रेशियो है, अब वो 10-12 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एक की भी अगर इलीगल अबॉर्शन से डेथ होती है तो वो बहुत गलत बात है, जबकि हमारे पास है प्रिकॉशन, सब कुछ है हमारे पास। हम लोग अबॉर्शन के लिए 1,00,000 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन कॉन्डम 10 रुपये का नहीं खरीद सकते। तो वो सोच की बात है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ या कम पढ़े लिखे के लोगों में ही हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत कायदे से रह रहे हैं, उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सोच की बात है, ये सिर्फ इसकी अमीर गरीब और अनपढ़ और गैर अनपढ़ की बात नहीं है, ये सोच की बात है, ये इम्पोर्टेंस की बात है कि आप किस चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं, किस चीज़ को। तो वो आज के दौर में आप अगर अपने फिल्म के थ्रू ये बता रहे हैं किसी को, मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोगों में 40 लोगों को भी अगर समझ में आए तो हमारी सक्सेस है फिल्म की। No, very very grateful, yeah, for everybody who's cast me, for everybody who's shown that faith and trust in me. I'm grateful to the people who rejected me also, because जब आपने मना किया तो ही मुझे वो मिला कि मैं आगे चल के और लोगों के साथ काम करूँ। और क्योंकि मैंने और लोगों के साथ काम किया है, कॉन्टेंट की फिल्में मेरे साथ जुड़ी है और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ हूँ। मतलब नहीं तो मुझे तो एक टिपिकल हीरोइन के मोल्ड में किसी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो ऑडियंसिस ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको मेरी फिल्में पसंद आई। तो एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ देम। अगर मतलब ऑडियंस नहीं पसंद करती और नहीं आती तो मैं शायद यहाँ होती नहीं। तो मुझे वो दोनों रिवॉर्डिंग लगता है कि एक तो आई हैव दैट सपोर्ट एंड दैट लव, एंड आई हैव द सपोर्ट ऑफ मेकर्स जो जेन्युइनली अच्छा काम करना चाहते हैं और जेन्युइनली मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मुझे तो ये क्वेश्चन ही बड़ा ऑफ लगता है, ये पूछना भी क्यों चाहिए हमें। सेम मतलब कैसी बात है ना, हम क्यों इस टाइम पे है जहाँ आप इतनी बड़ी बात क्यों है कि एक लड़की अपने शोल्डर से फिल्म लेके जाए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लड़की एज एन एक्टर पूरी पिक्चर अपने शोल्डर्स पे लेके नहीं जा सकती है। राइटर अपना काम करता है, डायरेक्टर अपना काम करता है, बहुत लोग अपने अपना काम करते हैं तो फिल्म चलती है। ना मैंने लिखी, ना मैंने डायरेक्ट की, तो सब कुछ मेरे शोल्डर पे कैसे हुआ। नहीं, दूसरी बात ये कि हम हमेशा कहते हैं वुमन सेंट्रिक चीज़ें हो रही हैं, ये तो तब से हो रही हैं। रामायण सीता के बिना आप हटा दिखा दें करके, उनके इर्द गिर्द पूरी कहानी महाभारत, अगर वो लफड़ा नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। मदर इंडिया तो है, मदर इंडिया, कोई भी चीज़ उठा लें आप, तो वुमन सेंट्रिक तो डे वन से है। दुनिया वुमन सेंट्रिक, सरस्वती और लक्ष्मी दो ही चीज़ घूम रही है इंडस्ट्री में आप देख लो। तो अब वो ये कहना कि वुमन सेंट्रिक कहानियाँ शुरू से वुमन सेंट्रिक है, कहानियाँ बनती हैं औरत की वजह से,
वरना तो कोई वजूद ही नहीं कहानियों का. हाँ मतलब मैं लड़कों का पंचनामा नहीं करती तो उनकी कहानियां कोई देखता नहीं. ऑफ कोर्स तो ये हाँ अब आज के दौर में तवज्जो मिलने लगी है इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस मिलने लगी है, अलग बात है आप लोग समझने लगे हैं क्योंकि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूरत और जरूरी का फर्क समझ आ गया. थैंक यू सो मच. मैडम आप थोड़ा अंदर आ जाइए. वेट ठीक है. Thank you.